ये पहाड़ी गाइस पहुंच चुके हैं यहाँ, और ये आप देख सकते हैं तालाब बहुत सुंदर दिख रहा है, जो कि ये देखिए पूरा यहाँ मंदिर उंदिर है माता जी का, और इसको भवनिया तालाब के नाम से जानते हैं। यहाँ पहले मूर्ति विसर्जन होता था, लेकिन अब कुछ प्रशासनिक कारण के चलते यहाँ मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही सुंदर नज़ारा। पहुँच चुका हूँ जहाँ मेरे को आज आना था, तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देख सकते हैं तालाब है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, और इसको भवनिया तालाब के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और इसका पानी दोस्तों, इसकी खासियत यह है कि इसका पानी दोस्तों कभी खाली नहीं होता, गर्मी समय भी भरा रहता है, अच्छी बात है। दोस्तों ये देखिए पानी इसमें लगा हुआ है, और सारे बहुत सारे कुछ कुछ लगा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़, पंडित जी बैठे हुए हैं, ये देखिए पूरा बहुत ही मंदिर उंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, और ये पूरा देख सकते हैं तालाब, जो कि कभी पानी खाली नहीं होता गर्मी समय। इसके बारे में हम आज पंडित जी से बात करेंगे थोड़ा बहुत। पंडित जी, इसके यहाँ के स्थान के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? भवानिया माता के नाम से जी जी मंदिर है, माता भवानी जी शारदा के रूप में मतलब उनकी पूजा होती है, कोई काली भी कहता है जी जी ना? जी वैसे तो नाम मूर्ति रखी हुई है, जाके देख लीजिए जी जी, हाँ तो पत्थर के पुराने जी हैं जी जी, लेकिन वो नवदुर्गा के नाम से माने जाते हैं जी जी। और इसी तरह से हम तो शारदा माता जानते हैं, कोई काली मैया कैसा है, इस तरह से सब कुछ पूजा करते हैं जी। प्रसिद्ध स्थान है जी जी, एक धाम के बराबर है जी बिल्कुल। और ये भवानिया तालाब रहा, यहाँ तो जंगल रहा, तालाब रहा जी जी रही, लेकिन जंगल रहा, धीरे 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 जंगल टूटते गया जी, और हफ्ता से लोग आया कर यहाँ बसते गए जी जी। तो तालाब भवानिया माता भवानी जी, ठीक ना, तथा इस मोहल्ले का नाम भी भवानिया टोला हो गया जी जी, माता जी के नाम जी। तो ये इसका इतिहास बता पाएंगे थोड़ा, तालाब का इतिहास बता पाएंगे? तालाब पांडवों का बनाया हुआ है जी जी, जमाने का है जी। आप मूर्ति जाकर देख लीजिए, इसके बाद समझ जाएंगे कि वाकई में पांडवों को बनाया जी जी बिल्कुल। हम आप कैसे भी नहीं बना सकते जी जी जी, किसी भी यंत्र के द्वारा नहीं बन सकता है जी जी, पांडवों का बनाया हुआ है जी। वनवास काल में लोग घूमा करते थे सब जी जी, 14 वर्ष बिताए हैं, तो इसी जगहों में बिताए हैं जहाँ रहते थे वो जी जी, वहाँ तालाब एक स्थान, वहाँ पूजा पाठ सब करते थे जी जी। इस तरह से प्रसिद्ध स्थान है जी, है ना। और माता जी में इतनी शक्ति है यहाँ पर कि कोई भी कार्य यहाँ इसको टच नहीं किया है जी जी, इसलिए पानी इसमें गर्मी दिन में देखिए अभी रोड के ऊपर पानी है कि नहीं जी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पंडित जी बता रहे हैं गर्मी समय भी ये तालाब सूखता नहीं है, पांडव के द्वारा निर्मित तालाब है, और बहुत ही सुंदर दृश्य। पहले इसमें मूर्ति विसर्जन होता था, लेकिन कुछ प्रशासनिक कारण के चलते हम मूर्ति विसर्जन प्रतिबंध कर दिया गया है वहाँ बिल्कुल। लेकिन ये गलत बात है कि यहाँ लोग कचरा डाल देते हैं, और ये देखिए बहुत गंदगी फैला देते हैं। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप आए तो यहाँ दोस्तों कचरा उचरा ना फैलाएं, देख सकते हैं अभी यहाँ पूरा कचरा उचरा बिखरा हुआ है, कुछ भी मतलब कहीं भी डाल दे रहे हैं। यहाँ डस्टबिन की व्यवस्था होगी नहीं? डस्टबिन की व्यवस्था है तो ये देखिए नगर पालिका द्वारा डस्टबिन भी लगवाया गया है वहाँ, उसमें आप कचरा डालिए, आपसे अनुरोध है। तो पंडित जी चले, धन्यवाद। हम मंदिर का जब अंदर देखते हैं कैसा क्या है, और मूर्ति उर्ति पूरा देखते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। पंडित जी हमको ले जा रहे हैं आगे, दिखाएंगे पूरा मंदिर का सीन कैसा। ये शंकर जी का एक चित्र फोटो लगा हुआ है, पार्वती शंकर जी का, बहुत ही सुंदर। और ये मंदिर बना हुआ है देख सकते हैं बिल्कुल, पूजा देखते हैं। अभी नवरात्रि जस्ट समाप्त हुआ है जी जी जी, ये शिव जी का यहाँ शिवलिंग है, बहुत ही सुंदर स्थान, ये देख पा रहे होंगे मेरे सामने पूरा देख सकते हैं ये। तो देख सकते हैं पंडित जी हमको दिखा रहे हैं शिवलिंग, जय शिव। तो देख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पूरा बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये सुरेश यहाँ खड़ा हुआ है, आ सकते हो यहाँ पूरा। अभी जस्ट नवरात्रि यहाँ समाप्त हुआ ही है, नवरात्रि के बीते हुए 2 दिन हो गए। और ये बरगद का पेड़ है, कहाँ से आ गया, महुआ के ऊपर से जी जी जी, ये देख सकते हैं पूरा रहस्यमी पेड़ है। और ये पूरा पुराने तत्व, पुराने शिव जी जो कि पांडव द्वारा निर्मित किया गया है, यही पंडित जी के बारे में बता रहे हैं। नंदी जी हैं,
और ये शिव, और ये एक और शिवलिंग है, ये देख सकते हैं बिल्कुल मैं आपको सामने से दिखा पा रहा हूँ गाइस। तो ये पंडित जी बता रहे हैं कुछ इसके बारे में, पांडव द्वारा निर्मित है, ये पुराने हैं जब भेज मिला है। जी 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 और देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर, और यहाँ माता जी का वास, जय माता हनुमान। तो देख पा रहे होंगे पुराने ज़माने के यहाँ मूर्ति उर्ति हैं, और यहाँ बहुत ही सुंदर जय जय भवनिया माता। तो पंडित जी बता रहे जैसा कि यहाँ मूर्ति उर्ति रखा हुआ है बहुत ही पुराने ज़माने का, देख पा रहे होंगे। जी 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 ये देख पा रहे होंगे बहुत ही दोस्तों ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है, पांडव द्वारा बहुत आदि काल से ये प्राचीन मूर्तियां हैं जो कि बहुत ही भव्य रूप से दिखाई दे रहे हैं, विकराल रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ज्योत तो यहाँ लगा हुआ है 24 घंटे ज्योत जलते हैं। जी जी जो आया वही चल जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप भी आ सकते हैं दर्शन करने। तो पंडित जी यहाँ कब, मतलब मंदिर का भीड़ कुछ रहता है कब कब बता पाएंगे? जी 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 यहाँ मैंने सुना था कि मेला उला भी लगता होगा। लगा 3 दिन मेला लगा, 3 दिन मेला लगा था। तो दोस्त मैं अभी तो आ नहीं पाया मेला में, इसलिए मैं सोचा आज दिखा लिया जाए भव्य धाम को अपने आस। भयंकर मेला रहा। जी जी। तीसरे दिन जो सप्तमी के दिन था जी, पहले तीसरे दिन पहले जी जी तो यहाँ मेला था। जी यहाँ मेला था, तीनों दिन टकाटक मेला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 3 दिन मतलब मेला लगता है जैसा बता रहे हैं अभी कि यहाँ मेला भी लगता है, 3 दिन लगा था मेला जो मैं नहीं आ पाया। और पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो बताए मंदिर। अब मेरे पीछे देख रहे हैं आप भी आए दोस्तों, दर्शन कीजिए, रामनवमी पर्व पे आइए, मंगल शनिवार या किसी दिन आइए, विशेष तौर पर समय निकाल कर शाम का वक्त वहाँ बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ बहुत चिड़िया की चहचहाट और वातावरण, शुद्ध वातावरण लगता है, अच्छा हवा। और मैं तो यही कहूँगा दोस्तों ज़रूर आइए, बिजली से ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर के दायरे पर ही है जो कि कोठी रोड पे पड़ता और है। और बताता हूँ आइए। जी जी और बताता हूँ। तो देख सकते हैं माहौल, देखिए दोस्तों यहाँ बहुत एसी, मतलब एसी के बराबर यहाँ तो ठंडक है। और बिल्कुल देख सकते हैं प्रकृति नज़ारा है, ये देख सकते हैं पानी भी बिल्कुल एकदम साफ है, थोड़ा बहुत यहाँ का पत्तल उत्तल गिर गया है उसके कारण आपको थोड़ा वैसे दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही सुंदर पानी देखिए, एकदम साफ पानी है एकदम। और ये यहाँ पूरा प्राकृतिक वातावरण देखिए, ये बरगद का पेड़ भी कितना प्राचीन रूप से दिख रहा है, पंडित जी बता रहे हैं जैसा कि ये बरगद का पेड़ है पुराने ज़माने का, और जो कि बहुत ही विकराल रूप लिया हुआ है, तालाब की ओर फैल रहा है। और मैं तो यही कहूँगा देखिए दोस्तों यहाँ का अलग ही, देखिए मैं जूम करके दिखा पा रहा हूँ, ये देखिए पूरा यहाँ पूरा पत्तल उत्तर गिर जाने के कारण ऐसा आपको दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही शुद्ध पानी है और इतना स्वच्छ वातावरण है। अगर आप गर्मी के खड़ी दोपहरिया में आ भी जाएंगे यहाँ बैठ भी जाएंगे तो आपको बहुत सुखमय आनंद आ जाएगा। तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप यहाँ के बारे में, मतलब आप यहीं दोपहर को यहीं रहते हैं आप? जी 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 अच्छी बात है। 12 लोग आ जाते हैं यहाँ, बढ़िया ठंडा है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तालाब मतलब कभी नहीं सूखता, गर्मी उर्मी में कभी भी नहीं? अभी 12-13 साल से मैं यहाँ नियमित रहता हूँ दिन रात। जी जी। लेकिन अभी यहाँ मैं सूखते नहीं देखा। जी जी। सुखाने के लिए फोड़ते हैं, पंप लगाते हैं। जी जी। तब सुखा पाते हैं, खजा के जाते हैं। जी जी। तो बता रहे हैं कि अभी जैसा यहाँ मतलब सूखता नहीं है, पंडित जी 12-13 साल से यहाँ रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो धन्यवाद पंडित जी। तो आपका दोस्तों यहाँ आप आ सकते हैं, और पंडित जी जैसा कि बताए कि यहाँ का मतलब बहुत ही शुद्ध वातावरण, प्रकृति का वातावरण है। तो दोस्तों आई होप मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ आइए, दर्शन करिए, और यहाँ पूरा बढ़िया धाम बना हुआ है, बैठिए, और गर्मी सीज़न में खास दोस्तों शाम को आ जाइए, दोपहर को भी आ जाइए। यहाँ पूरा मेरे सामने इधर दिखा पा रहा हूँ कि बरगद का पेड़ है पूरा बहुत विकराल रूप से। और अब चलते हैं मंदिर की ओर, तो एक पुजारी जी से पूछते हैं यहीं से निवास करते हैं, मतलब मैं भाग से हूँ। भाग से है मतलब आप यही रह रहे हैं, मतलब नियमित निवास कर रहे हैं, आपका घर भाग है। पंडित जी का
बाद में घर, लेकिन यहाँ निवास करें, पूजा अपने कारण यहीं रहना हो रहा है, तो आप घर उड़ जाते हैं? हाँ जाता हूँ कभी कभी जी। तो बता रहे हैं कि घर जाते हैं, अभी इन्हीं का समर्पण यही है, मतलब कि टोटल आप अपना पूरा जिंदगी यहीं लगा दिए माता की सेवा करने में, निस्वार्थ भावना से। कोई कुछ नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, हम अपना जो कोई आप पूजा करा दीजिए, गाँव में थोड़ा नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। कमलेश प्रसाद।